गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे थे कि हम आरसीआई एजुकेशन हब की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 8 का गणित विषय के अंतर्गत प्रश्नावली 9.3 हम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आपको प्रश्न नंबर 1 करा चुके थे। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि निम्न सारणी को पूरा कीजिए। अब देखिए सारणी को पूरा कैसे करना, बिल्कुल सिंपल सा वर्क है। कैसे, प्रथम व्यंजक दे रखा है, द्वितीय व्यंजक, इन दोनों का गुणनफल करना है। यानी क्या करना है, a को b प्लस सी प्लस डी से गुणा करना है। अब आपको गुणा करने के बारे में आपको बताया गया था सिंपल सा, क्या करना है देखिए, ए बी ए सी और ए डी। अब आपके समझ में आया होगा कहां से आया, a को b से गुणा किया ए बी आया, a को c से गुणा किया ए सी आया, ए को डी से गुणा किया ए डी आया। बस सिंपल से सवाल था। अब सेकंड सवाल देखिए, वही करना है, x प्लस y माइनस 5 अलग ब्रैकेट में, 5xy अलग में। अब इसको हल करना है, क्या करना है, इस 5xy को x से गुणा करना है, तो क्या हो गया 5x और ये x क्या हो गया स्क्वायर और y प्लस 5x को फिर y से गुणा किया, फिर क्या हो गया 5xy स्क्वायर। अब यहां पर क्या, अच्छा पर 5 है, 5 को 5 से गुणा करेंगे कितने हो गए 25 माइनस 25xy। अब देखिए इसका तीसरा सवाल जो बिल्कुल सिंपल सा है, क्या है p, अब क्या लिखेंगे 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5। अब देखिए क्या किया, वही हमारा पुराना काम, p को किससे गुणा करेंगे 6p स्क्वायर से। समझ में आ गया आप लोगों को कि p को 6p स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आ गया 6p3। जहां पावर 3 आ गई उसको क्यूब बोलते हैं, 2 पावर स्क्वायर बोलते हैं, 4 को 4 ही बोलेंगे, माइनस प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, माइनस पी को पी से गुणा करेंगे, 7p स्क्वायर प्लस 5p। अब इसका चौथा सवाल देखिए, 4p स्क्वायर टी स्क्वायर लिखेंगे, 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर कोष्टक पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब आपको वही करना है जो अब तक हम करते आ रहे थे कि इसको इस संख्या से गुणा करना है, तो देखिए 4 के तो 4 4 आ जाएंगे, ये पी स्क्वायर ये पी की पावर 2 ये होगी 2 ये होगी, कितनी होगी पावर जुड़ जाती है 4 4 पी की पावर 4 क्यू स्क्वायर माइनस है माइनस का चिन्ह है। अब इसको गुणा किया 4 को, 4 पी स्क्वायर क्यू की पावर 4, क्यों क्यू की 2 थी तो ये 4 हो गई। अब अगला सवाल देखिए, बड़ा सिंपल से है, a प्लस b प्लस c कोष्टक a b c। अब देखिए क्या करना है, इस a को a b c से गुणा करेंगे, तो a की पावर 1 है, a की कितनी हो गई 2, a स्क्वायर बी सी प्लस बी सी क्या होया, ए का तो ए रहेगा बी स्क्वायर और सी। आप बताइए लास्ट वाले में क्या होगा, क्या प्रत्येक बोलिए क्या हुआ, ए बी सी स्क्वायर राइट, क्या हुआ ए बी सी स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 2 पूरा होता है।